प्रणाम सभी को, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। इस समय मैं आईआईटी जम्मू कैंपस के बिल्कुल सामने हूँ, नगरोटा हाईवे के ऊपर, और आप देखेंगे ये मेरे पीछे एक ट्रक है जिसका नंबर है JK19 1172। ये इस गाड़ी का नंबर है जो कि अभी इस पैराफिट के साथ जाकर टकराया है और जिस वजह से इस ट्रक का जो है टायर भी निकल गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जैसे ही ये एक्सीडेंट की खबर आई तो हमारी जो पुलिस है वो भी जल्द से जल्द यहाँ पहुँच चुकी है और वो सारा कुछ जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रक जो है कश्मीर की तरफ जाना था, अभी तो हाईवे बंद है, लेकिन यही है कि रास्ते में कहीं रुकना था। और ये ड्राइवर साहब है, ड्राइवर साहब क्या पूरी बात हुई बताएंगे ज़रा? गाड़ी वाला पीछे से आके साइड मार गया। अच्छा, तो कितनी देर पहले हुआ एक्सीडेंट? ये कोई आधा घंटा हुआ। अच्छा, तो कोई आपको लगी वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं। आप कहाँ जा रहे थे और क्या लेकर जा रहे हो? इसमें आटा और चोकर है, श्रीनगर लेके जाना। अभी तो हाईवे बंद है तो कहाँ रोकनी थी गाड़ी? ये आगे रुकाते हैं ना, सुगीतर में, नगर सुगीतर में रुकाते हैं, जयगर कोली में। अच्छा, तो ये थोड़ा सा बताओ ना, गाड़ी वाला कैसे आ गया कि आपको पता नहीं चला आपने इसके साथ टकरा दिया? पास लगा ना करने, पास करके उसने एकदम यहाँ गाड़ी काट ली। अच्छा, मेरी साइड मैंने थोड़ी बिचाते हैं कोशिश की तो इसके साथ टकर गई, टकरा गया। अब क्या नुकसान हुआ है गाड़ी का? इसका टायर निकल गए हैं आगे वाले। आप किसी का कल चलाते हो ट्रक या अपना? नहीं जी, किसी का है। किसी का चलाते हो? तो ये नुकसान हुआ इनका, और जो सामान था वो तो नहीं नुकसान हुआ? नहीं नहीं, बाकी सामान ठीक है। सामान ये अभी कुछ देर पहले की वारदात है, ये ट्रक लेके कश्मीर जा रहे हैं। नाम क्या आपका? मंजूर अहमद। और रहने वाले कहाँ के हो? रामबन। रामबन के हैं ये मंजूर अहमद। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रक का नंबर है JK19 1172। ये इस ट्रक का नंबर है और आप देखेंगे ये ट्रक, एक गाड़ी वाले ने साइड मारी जिस वजह से ये ट्रक जो है अपना नियंत्रण खो गया और जाकर इस पैराफिट के साथ जाकर हिट हुआ है, और उसी में जो है इसका एक टायर जो है निकल चुका है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का एक टायर ही निकल चुका है, और अभी फिलहाल पुलिस भी यहाँ पहुँची हुई है। ये जो ड्राइवर है मंजूर अहमद, ये रामबन का रहने वाला है, किसी का ट्रक चलाते हैं, और ट्रक के अंदर सामान है जो कश्मीर लेकर जाना था, आटा है और भी कुछ सामान हो सकता है जो कि ये लेकर जा रहे थे। और ये ट्रक है जो कि कश्मीर जाने से पहले ही जिसका एक्सीडेंट हो गया है, और अभी तो फिलहाल हाईवे बंद है, लेकिन हाईवे बंद होने के बावजूद भी जो गाड़ियां हैं सुकेतर के पास रोकी जाती हैं, बस वहीं पर यह एक्सीडेंट हुआ है। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आईआईटी के सामने ये एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और जो पुलिस है वो भी वहाँ पहुँची हुई है। ये बिल्कुल आईआईटी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके सामने ही ये ट्रक का एक बड़ा एक्सीडेंट जो कि अभी अभी पेश आया है, और हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल जो है जेके मीडिया पर दिखा रहे हैं। ये ट्रक के आगे के दोनों टायर जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, एक तो टायर ही पूरा निकल चुका है। पुलिस हमारी मौके पर मौजूद है, और भगवान का शुक्र है कि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, ड्राइवर जो है रामबन का है और कश्मीर ये सारा सामान लेकर जा रहा था, और आईआईटी कॉम्प्लेक्स के बाहर ये एक बड़ा हादसा हो गया है, किसी गाड़ी वाले ने इसे जो है साइड मारी है जिस वजह से इसने जो है पैराफिट के साथ ट्रक जो है टकरा दिया, वरना क्या पता उस गाड़ी के साथ हिट हो जाता। गाड़ी वाला यहाँ से फरार है, और ट्रक वाले का जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। और फिलहाल ये ट्रक कश्मीर की तरफ जाना था सामान लेकर, जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है नगरोटा हाईवे आईआईटी जम्मू के बाहर। देखते रहें जेके मीडिया, सभी को सनातन धर्म की जय।